ठीक है, जीवाणुओं में अंतः बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है, यानी अंतः बीजाणु जो बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ओ अवस्था, यानी कि जीरो स्टेज, यानी अभी तो तैयारियां चलेगी। जिस कोशिका को अंतः बीजाणु बनाना है, उसका जीव द्रव्य जो वो सघन हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें अक्षय तंतुओं का आकार, क्रोमेटिन जो होंगे वो अक्षय तंतु के रूप में बन जाएंगे। क्रोमेटिन किसे कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें अंदर डीएनए होगा, डीएनए के चारों तरफ क्रोमेटिन प्रोटीन होगी। आई बात समझ? तो क्रोमेटिन प्रोटीन और डीएनए, तो कुल मिला के उस पूरे गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन तंतु, ठीक है। वो अक्षय स्थिति में हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अक्षय तंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये जो अक्षय तंतु था, अक्षय तंतु पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होगा और इसके अलावा उपापचयी क्रियाएं में परिवर्तन हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। उसके बाद आती है द्वितीय अवस्था या सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि कोशिका के एक ध्रुव पर कुछ हटकर प्लाज्मा झिल्ली दोनों तरफ से अंतर्वलित होना शुरू कर देती है और एक तरीके से अंदर की ओर वृद्धि करती है और दोनों छोर मिलके आपस में एक पट बना देते हैं। देखो होगा क्या, कोशिका झिल्ली जो है ना, कोशिका का जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा उसे क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य बोलेंगे ना। अब आप कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि कोशिका द्रव्य के कहाँ होता है, केंद्रक के बाहर, और केंद्रक के अंदर की तरफ क्या होता है, केंद्रक द्रव्य, दोनों मिलकर क्या बोले जाते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य है ना, अंतर्वलित होकर के, पट जैसा बनाती है, और जो हिस्सा है क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा, मतलब जीव द्रव्य होगा, सॉरी, ठीक है। और फिर इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु की आद्य अवस्था, इस अवस्था को क्या कहते हैं, आद्य बीजाणु अवस्था भी कहते हैं। आद्य मतलब पुराना, आद्य जीवाणु अवस्था। द्वितीय के बाद आगे बात करें तृतीय। तृतीय की अवस्था कोशिका के सिरे की ओर वृद्धि करके आद्य जीवाणु बीजाणु जीव द्रव्य को घेर लेते हैं, है ना, और उसके बाद कोशिका द्रव्य से स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि बड़ी कोशिका, ऐसे समझो इसको, ये कोशिका थी, इसका गुणसूत्र वगैरह सघन हो गया, एक जगह इकट्ठा, तो धीरे धीरे कुछ हिस्सा ना इसका यहाँ ऐसे अलग से इकट्ठा हो गया। देखो ऐसे समझना, समझ लो पहले फिर लिख लेना। ये कोशिका भित्ति ऐसे थी ना, ये झिल्ली, तो ये झिल्ली अंदर की तरफ ऐसे आने लग जाएगी, कुछ हिस्सा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगी इसमें से यूं। तो ये कोशिका कौन सी होगी, मात्र, और ये जो कोशिका हो वो क्या हुई, अंतः बीजाणु।
मात्र कोशिका और इसके अलावा क्या होगी बीजाणु कोशिका या आद्य बीजाणु कोशिका। पट द्वारा पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर क्या होगा मात्रक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अलग हो जाएगा। एक मिनट इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो मात्र कोशिका व आद्य बीजाणु पट द्वारा अलग होते हैं तथा मात्र कोशिका का जीव द्रव्य बीजाणु को घेर लेता है यानी अब ये धीरे धीरे ना इसके अंदर आने लग जाएगा यानी कि इसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी। अगली बात समझ में यानी ये जो बाहर निकल रहा था ना धीरे धीरे ये धीरे 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 क्या हो जाएगा अंदर इसको ठीक है ना अंदर की तरफ आ जाएगा ये यहां से घेरना शुरू होगी ना इसको ऐसे। फिर उसके बाद आएगी चौथी अवस्था ठीक है। चौथी अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा बीजाणु की कोशिका झिल्ली के बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बन जाती है। फोर्थ स्टेज बीजाणु के बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की झिल्ली बन जाती है। की झिल्ली या बोल सकते हैं परत बन जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे फोर्थ स्टेज के बाद आगे बात करते हैं पांचवी अवस्था। इसे मिटा दूं ना लिख दिया होगा ऊपर से ठीक। अगली अवस्था की बात करें तो पांचवी अवस्था में क्या हो जाएगा इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का जमा हो जाता है और इसके अलावा इसमें ड्राई पिकोनिलिक अम्ल भी बन जाता है ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकन का जमा होगा एवं पिकोइक अम्ल ठीक है ना एक अम्ल की डाई पिकोनिलिक अम्ल। डाई पिकोनिलिक अम्ल भी ऊपर से आकर के जम जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कोशिका झिल्ली में साथ ही साथ कैल्शियम प्लस टू आर्जिनिन और ग्लूटामिक की मात्रा भी बढ़ जाएगी।
आर्जिनिन और ग्लूटामिक अम्ल क्या होते हैं मालूम है किसी को? आर्जिनिन और ग्लूटामिक अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। कौन होते हैं ये? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल क्या करते हैं? अमीनो अम्ल बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बन जाती है। अगली बात समझ में? बहुत सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगी? प्रोटीन। तो ये अवस्था हो जाती है, ठीक है ना, ग्लूटामिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। छठवां, सिक्स्थ स्टेज, ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेज में क्या होगा? छठवीं स्थिति में बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर परिपक्व हो जाता है। जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो अब क्या होगा? अब आखिर तभी अंदर हुआ है ना, वो पूरा परिपक्व, तभी तो उसको अंतःबीजाणु कहते हैं। बाहर की तरफ होता तो बहिर्बीजाणु कह देते, है ना। फिर सातवीं अवस्था। अच्छा एक बात और, जब मातृ कोशिका के अंदर परिपक्व हो गया तो फिर अब मातृ कोशिका को, मदर सेल को अब क्या कहेंगे हम लोग? उसे बीजाणुधानी कहते हैं, जो बीजाणु को धारण कर रही है, बीजाणु धानी कहलाती है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली सेवेंथ स्टेज में जो जीवाणु है, वो जीवाणु के अंदर क्या बना? बीजाणु बन गया, है ना। तो बीजाणु धानी का कुछ समय बाद आत्मलयन हो जाता है और बीजाणु स्वतंत्र हो जाता है। स्पोरेंजिया मतलब क्या होते हैं? बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का स्वलयन, खुद को खुद ही गला देती है, नष्ट कर देती है। स्वलयन होने पर अंतः बीजाणु मुक्त हो जाता है। हो गया अंतः बीजाणु का कहानी पूरी, ठीक है। कभी कभी कुछ जीवाणुओं में बाहर की तरफ संरचना बनती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। तो ये अंतः बीजाणु की पूरी स्ट्रक्चर बन गई। अंतः बीजाणु के बनने के साथ ही यहाँ पर अलैंगिक जनन भी हो गया पूरा। अच्छा, कल हम लोगों ने संरचना बनाई थी ना, ठीक है। इसमें एक छोटी सी एक नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट और लिख दो, क्या क्या चीज होती है। देखो भाई, कोर होता है ना, कोर अंदर वाला पार्ट, उसके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। और जो भित्ती होती है, भित्ती के अंदर केराटिन होता है। केराटिन, केराटिन कहाँ होता है? हमारे शरीर में भी होता है क्या केराटिन? बालों में, वेरी गुड। केराटिन प्रोटीन, ठीक है ना, ठीक। उसी इसी वजह से तो वो केराटिन वाले शैम्पू होते हैं, ऐड आते हैं उनके। तो केराटिन बालों में होता है, बालों में। उसके अलावा सींग वगैरह जो होते हैं जानवरों के, उनमें भी होता है ना। बालों में केराटिन है तो बाल चमकदार, ठीक है ना, घने, रेशमी, मुलायम, काले, ठीक है। और इसके अलावा चमकीले दिखाई देंगे। केराटिन की कमी होगी तो फिर वो चमकदार नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो कोर हो गया, उसके बाद भित्ती, भित्ती के अंदर केराटिन मिलता है। इसके अलावा क्या होगा? झिल्ली जो होगी, है ना, झिल्ली, झिल्ली में क्या होगा? डाइपिकोनिक अम्ल। और इसके अलावा आपने ये तो लिख ही लिए ना, ग्लूटामिक अम्ल वगैरह, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो बता दिए।
कभी कभी इसमें अंतःचोल और बाह्यचोल के रूप में भी स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभी बाहर की तरफ जब बनेगा, बाहर की तरफ जो, तो उसे एक्सोस्पोरियम कहते हैं। कभी कभी दो झिल्ली हो जाती है तो बाह्य कवच बनते हैं, तो उस बाह्य कवच को कभी कभी एक्सोस्पोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्पोरियम, ठीक है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म, और फिर अब बात करेंगे कौन सा जीवाणु में कायिक जनन, और कायिक जनन होते ही कंप्लीट ये बुक हो जाएगी, कंप्लीट पूरा पेपर कंप्लीट। अब आप लोग इसके जो नोट्स मिले हैं उन्हें पढ़िएगा, जो आप लोगों ने नोट डाउन किया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देखा है उसे आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछिएगा। लास्ट एंड फाइनली अभी पहले इसको करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी कि इस पूरी बुक में से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है ना। वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हम यूं के पढ़ ही लेंगे। मिटा दो, पेपर खत्म होते ही ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हो ना कॉलेज में। नहीं नहीं वो तो मैं मिटाऊंगी तरीके से। ये ना कायिक जनन किस तरीके, कायिक का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये बताओ। कायिक जनन यानी कि किसी भी भाग से जनन होने लग जाए, जनन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं बनी, ठीक है। जहां से जो जैसे जितना टूट गया वहां से उतना वैसे नया बन गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन समझो कि जैसे कोई छोटा सा हिस्सा टूट गया उसी से नया बन गया, जैसे गुलाब, गुलाब में कलम लगती है ना, तो उसकी कलम थोड़ी सी काट ली तने वाला हिस्सा। अब ये बताओ तने में कहीं से कहीं तक कोई लैंगिक संरचना थी? नहीं। कोई विशेष अलैंगिक संरचना थी? नहीं। जो हिस्सा काट दिया वो डाल दिया जमीन में, ग्रोथ कर दिया, नया उग गया, ठीक है ना। आपको बताया था शायद कि नींबू में आप लोग संतरा भी उगा सकते हो, है ना। लाल गुलाब में पीला, हरा, नीला, कोई सा भी गुलाब उगा सकते हो? नहीं। अब नीला गुलाब नहीं उगा सकते हो, कोई सा भी उगा सकते हो पर नीला नहीं होता है, क्योंकि नीला प्रकृति में नहीं होता है। नीला गुलाब जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो तसल्ली रखिए, सेकंड ईयर में पढ़ना, ठीक है। कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी होंगी? विखंडन, मुकुलन, द्विविखंडन, ऐसे होते हैं, ठीक है। द्विविखंडन, विखंडन, मुकुलन, पुटी निर्माण और खंडी भवन। विखंडन कहो या उसे गोनीडिया कहो या उसे खंडन कहो, जितने टुकड़े उतने नए जीवाणु, ये होता है खंडन। दूसरा आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब है एक कोशिका केवल दो में बदलेगी। यहां क्या है, जितने टुकड़े उतने नए जीव, ये तो हो गया खंडन। द्वि का मतलब केवल दो ही बनेंगे एक कोशिका से, मुकुलन। मुकुलन के बाद, मुकुलन तो आप लोगों ने ईस्ट में पढ़ा होगा शायद, है ना, जब छोटे बच्चे रहे होंगे छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो पुटी, पुटी के अलावा, इसके अलावा आता है पुटी निर्माण। पुटी मतलब होता है सिस्ट। सिस्ट शब्द का मतलब ऐसे समझो आप लोग, सॉलिड बॉल, ठोस बॉल। मुकुलन को कहते हैं अंग्रेजी में बडिंग,
बड बन जाती है। द्वि विखंडन, इसको बोलेंगे क्या, बाइनरी फिजन। और उसके बाद खंडन, इसे क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े हो जाना, सेगमेंट्स का बन जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं गोनीडिया की। गोनीडिया में क्या होता है, कोशिका का जीव द्रव्य बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं बना लेता है, उन संरचनाओं को गोनीडिया कहते हैं। जब मुख्य कोशिका की कोशिका भित्ति फट जाती है तो गोनीडिया बाहर आ जाती है, बाहर आने के बाद अंकुरित होकर के नया बना देती है, जैसे ये कोशिका, ठीक है, इसका जीव द्रव्य, ठीक है, इस कोशिका का जीव द्रव्य छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया, ऐसे बट गया, ये क्या है, जीव द्रव्य। ये क्या बना, गोनीडिया। गोनीडिया का मतलब क्या है, जीव द्रव्य के टुकड़े हुए, फिर ये मुख्य कोशिका फट गई और ये सब गोनीडिया बाहर निकल गई। जहां जहां गिरेगी वहां नए जीवाणु का निर्माण करेगी। समझ आ गई बात, ये हो गया। तो उसके बाद इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। द्विविखंडन, द्विविखंडन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होगा, एक कोशिका, जैसे ज्यादातर एक कोशिका दो में बट जाएगी, ठीक है ना, समान आकार की कोशिका, इसमें कुछ खंड, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले एक केंद्रीय पदार्थ का विभाजन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, कोशिका द्रव्य या पट का विभाजन होगा। कुछ नहीं, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, अमीबा में जनन, अमीबा में द्वि विभाजन होता है, द्विविखंडन होता है, एक कोशिका दो में बढ़ जाती है। नहीं पता ना, अभी देखो कभी कैसे पता चलेगा, देखना, अभी सबको धीरे धीरे याद आएगा। आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।